वेलकम टू टॉप गार्डनिंग। आप देख रहे हैं ये टर्टल वाइन है, और लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करा था कि ये टर्टल वाइन बेल जो थी ये पूरी लंबी बेल हो चुकी थी और पूरी ग्रीन थी ये। और जैसे ही नवंबर का महीना आया है, ठंड बढ़ती जा रही है और ये बेल पूरी सूख रही है। और नवंबर के महीने में या फिर जब ठंड थोड़ी बढ़नी स्टार्ट होती है तो टर्टल वाइन से ये फूल आते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि बाकी पूरी जो बेल है ये नीचे की तरफ लटक रही है, बट कुछ इसकी ब्रांचें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि साइड में से कुछ ब्रांचें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो उसमें से छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं। जब ये फ्लावर्स, जितने ही फ्लावर्स हैं, सूख जाएंगे तो इसके अंदर से सीड बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो हम नेक्स्ट सीजन में उन सीड को लगा सकते हैं। अगर हमारी पूरी बेल सूख जाती है तो हम उस बेल को नेक्स्ट सीजन में ग्रो कर सकते हैं। अगर जैसे आपको नजर आ रहा हो कि ये टर्टल वाइन बेल जो है, टर्टल वाइन है, तो इसे हम यहाँ से ही सूखने के बाद यहाँ से गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो भी हमारा पोर्ट होगा, हैंगिंग पोर्ट हो चाहे नॉर्मल नीचे रखने का पोर्ट हो, तो वो किनारी पे से बेल टूटनी स्टार्ट हो जाती है। और बेल टूटने के बाद सिर्फ हमारा ऊपर का एरिया ही बचता है, बेल का ऊपर का एरिया बचता है, और नेक्स्ट सीजन में ये खुद ही फूट कर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है बेल। अगर हम इस बेल को इस सीजन में हटाना भी चाहें और हम नेक्स्ट सीजन में लगाना चाहें, तो हम जब हटाने से पहले जो भी हमारे ये सीड्स होंगे उन्हें हम कलेक्ट कर लें। तोड़ने के बाद हम हर ब्रांच में से ऐसे सीड्स ये कलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपके साथ पहले ही इस बेल में से निकाल के रख रखे थे सीड्स। ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सीड्स मैंने निकाल के पहले रख रखे थे, और ये जो ग्रीन सीड्स नजर आ रहे हैं ये कुछ टाइम बाद थोड़े ब्लैक कलर में हो जाते। आपको नजर आ रहा होगा ये कुछ सीड्स इसमें ब्लैक कलर है, जो इसमें सीड्स ब्लैक कलर है ये हमारे पूरे मिच्योर हो चुके हैं कि ये लगाने लायक सीड हो चुके हैं, और हम इसे नेक्स्ट सीजन में मार्च के महीने में या तो फिर हम मार्च के फर्स्ट वीक में इसे लगा सकते हैं। तो एक से दो हफ्ते बाद ये सीड्स खुद ब खुद निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और हम इस पे आधे इंच की सीड्स पोट में डालने के बाद आधे इंच की सोइल उस पोट के ऊपर हम बिखेरें कि कुछ सीड्स हमारे मिट्टी के अंदर दबे और कुछ सीड्स बाहर रहे। तो जब उसमें हम सीड्स डालेंगे तो उसमें जो वाटर डालेंगे हम, तो वो जो मिट्टी का लेवल होगा वो सारे सीड्स बराबर हो जाएंगे, और एक से दो हफ्ते बाद हमारे सीड्स के अंदर से प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और वापसी ही हमारा ये टर्टल वाइन इतनी लंबी और इतनी खूबसूरत लगेगी। अभी ठंड के मौसम में जितनी भी हमारी ये ग्रीन लीव्स हैं सारी सूख जाएंगी और ये सूख कर गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी, और हम उससे पहले ये सारे के सारे सीड्स हम कलेक्ट करेंगे और इस पोर्ट को, इस ब्रांच को, सारी की सारी ब्रांच हम कट कर देंगे। इस सिर्फ ऊपर के एरिए को हम छोड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में ये ही ब्रांच हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। और आप हमारे आई बटन में देख सकते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा होगा कि ये सूखी हुई बेल है, ये हमारी कितनी ग्रीन बेल थी, और हमारे आई बटन में देख सकते हैं इसकी, हमने उस टाइम पर भी लास्ट जो वीडियो बनाई थी इस टर्टल वाइन की, तो हमने इस बेल की फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी थी। और अब हम इस सारे सीड्स को कलेक्ट करेंगे। टर्टल वाइन जो होती है हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में ये काफ़ी खूबसूरत लुक आता है इस बेल का। और हम अगर कोई बड़ा पोर्ट हो तो उसमें एक प्लांट लगाने के बाद पोर्ट का जो बाकी एरिया होता है वो खाली एरिया होता है, तो हम इस बेल को उस खाली एरिया में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा पोर्ट हमारा ग्रीन हो जाएगा। और ये बेल एक बेल तोड़ने के बाद और उसे हम खाली पोर्ट में लगा देंगे तो हमारा वो पोर्ट पूरा फुल हो जाएगा, क्योंकि ये बेल खुद ब खुद बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और आप हमारी
लास्ट वीडियो में देख सकते हैं आई बटन में कि हमने आपके साथ शेयर करा था कि कैसे ये बेल तोड़ के लगाई जाती है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।